जय हिंद बोल दो, जय हिंद। दिखाओ फ्लैग आपका। अरे वाह, झंडा ऊंचा। अभी हम जा रहे हैं शॉपिंग करने और बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। ऑटो रिक्शे पे जाना है और कैसे जाना है, मेट्रो से। बहुत सारी बात। मेट्रो मेट्रो मेट्रो। कितनी भीड़ है आज। मेट्रो खाली करा दी है यहाँ पे और पूरी भीड़ हो गई है। पता नहीं ये लोग कैसे करेंगे, अब दूसरी मेट्रो आएगी उसमें जाएंगे। वैसे ही आज बहुत स्लो चल रही थी, मे भी कुछ इशू है। सबसे अच्छी बात है कि जैसे हमने रोनी वेस्ट पे उतरे ना, रोनी वेस्ट उतर के यूनिटी मॉल जहाँ जाना था यहीं से ही एंट्री। ये रहा मेट्रो स्टेशन और यहीं से एंट्री है। हम लोग यहाँ पे बीइंग ह्यूमन की शॉपिंग करने आया है फिर से। यहाँ पे भी एक स्टोर है रोनी वेस्ट यूनिटी मॉल पे। यहाँ पे कुछ भी खाने का नहीं है और हम लोग अब बाहर आ गए हैं कुछ ढूंढते हुए कि कुछ खाने का मिल जाए यहाँ पे। इवन हम लोग वो देख हो रहा थैला अंडे का, समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे सब जगह मोमोज क्यों मिल रहे हैं। देख यहाँ पे भी मोमोज हैं, ये भाई फैट टाइगर है, यहाँ पे भी मोमोज हैं, अंदर भी मोमोज के आउटलेट्स हैं। ये लगता है रोनी वाले सारे, हाँ जी ये लगता है रोनी वाले सारे मोमोज ही खाते हैं भाई। कोई है नहीं यहाँ पे कुछ, क्या कहे हम। बीकानेर में बैठ के गोवन खाने पड़ रहे हैं, इतना महंगा है बीकानेर। पराठा ऑर्डर किया है, ये रहा पराठा जो शुरू होते ही खत्म है। प्लेट 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 देख, ये आलू दूसरे दिन आलू ही नहीं है। हाँ पापड़। ये ग्रे वाली कैसी है, ग्रे लास्ट, इसका बैग अच्छा लग रहा है। अगेन वी आर एट बीइंग ह्यूमन, क्योंकि हमारा जो कोलेब्रेशन हुआ था उसकी शॉपिंग करने आए हैं हम लोग। सो आई हैव सिलेक्टेड दीज आर्टिकल्स, ये रहे मेरे सारे आर्टिकल्स। अभी ट्रायल रूम में क्यू लगी हुई है तो उसका वेट कर रहे हैं जब ट्रायल रूम फ्री हो। फाइनली शॉपिंग इज डन, वो भैया हमारा पैक कर रहे हैं। ये रहे हमारी थोड़ी सी चीज़ें, वो रही हमारी थोड़ी सी चीज़ें, फिर निकलते हैं। फीडबैक दे दे, दे दो वापस दे दो। ये क्या खा रहे हो, इतनी बड़ी चीकू, आपसे भी बड़ी कैरेट है। कैरेट दिखा दो सबको, कैरेट दिखा दो सब, इधर इधर कैमरे में। कह रहे खा लो, तेज बोलो। ओ देखो क्या हुआ, देखो क्या हुआ, एक अच्छे हो गया। कैसे हो गया, देखो एक अब हो गया। कौन सी पेंसिल है आपकी, ये कोई करता नहीं है फ्रेंड, मतलब हड़काया था मुझे कि गाड़ी से आई हो आएगा तो बनता है भाई। एंड आई गॉट सो मैनी डीएम्स ऑन इंस्टाग्राम कि भाई पहले आप वर्टिस ले रहे थे वो क्यों कैंसिल कर दी, या फिर आपने दूसरी जगह से बुक करी थी तो वहाँ से क्यों कैंसिल कर दी। तो मैं बारी बारी से आपको सारे रीजंस बताता हूँ, जल्दी से पहले ट्रैफिक से निकल जाऊँ। पहली चीज़, जो मुझे वेरिएंट चाहिए था बेसिकली, वैसे तो मैंने वही बुक कराया था, लेकिन फिर मैंने बाद में देखा कि यार जो दूसरा वेरिएंट है उसमें ज़्यादा फीचर्स हैं और वैल्यू फॉर मनी है, तो मैंने उनसे बात करी कि मुझे ये वाला वेरिएंट दे दो, तो उन्होंने डायरेक्टली मुझे। एंड सेकेंड रीज़न वॉज कि आपको पता है यार कि मुझे वर्टिस चाहिए थी, लेकिन हुआ ये कि चीकू का मुंडन आने वाला है। हमारे में क्या होता है कि मुंडन जो होता है 2.5 से 3 साल में होता है और बहुत बड़ा फंक्शन होता है, तो बेसिकली हमने बजट कैलकुलेट करा और देखा कि भाई चीकू के मुंडन में बहुत ज़्यादा खर्चा होने वाला है। दो रीजंस और हैं, पहला रीज़न मतलब तीसरा रीज़न ये है कि चीकू का एडमिशन कराना है, तो एंड यू नो गाइस कि चीकू मतलब ऑब्वियसली स्कूल की फीस कितनी ज़्यादा है और एडमिशन फीस तो बहुत ही ज़्यादा है, तो इस वजह से फिर बजट हिल गया। चौथा रीज़न कि हमें मेड इन इंडिया जाना था, मतलब वोकल फॉर लोकल। और सबसे बड़ी बात है कि सेफ्टी, सेफ्टी टाटा की गाड़ी में 5 स्टार है और जो भी सेगमेंट में गाड़ियाँ थी सबके 3 स्टार रेटिंग थी, तो इस वजह से हम
और जैसे हमारे सारे बड़े कहते हैं कि चादर के हिसाब से पैर पसारो, तो हम लोगों ने अपना बजट देखा, फिर देखा कि भाई चलो ठीक है यार, अभी इतना ही पैर पसार लेते हैं, बाहर नहीं जाते क्योंकि चादर फट गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इस वजह से यार एक बात समझ आती है कि जो ऊपर वाला करता है अच्छे के लिए करता है, उसने ही कुछ सोचा होगा, कुछ भला सोचा होगा, इस वजह से हम लोग इस बजट पे आए। और मे भी हो सकता है कि आगे कुछ हो, और हो सकता है कि हमारा यूट्यूब हम लोग बहुत अच्छा अर्न करने लग जाए, हमारी सैलरीज बढ़ जाए, तो हम लोग 2-1 साल में और अच्छी गाड़ी ले लेंगे। ले गए थे एक जगह जहाँ पे चीकू का फंक्शन हमने बुक कर दिया था, लेकिन जो चीकू का फंक्शन होना था 12 मार्च को होना था, लेकिन वो कैंसिल हो चुका है। अब वो है 30 अप्रैल को, क्योंकि कुछ साहब कुछ होता है यार, कुछ होता है जो शुभ मुहूर्त नहीं था, इसलिए कैंसिल करना पड़ा। अभी हम वेट कर रहे हैं डॉक्टर के यहाँ, स्किन स्पेशलिस्ट के यहाँ। यहाँ पे देखो यार, ये इश्यूज हो रहे हैं ना, इसके लिए आया हूँ डॉक्टर पे। ये शास्त्री नगर में डॉक्टर है भाई, 20 दिन पहले नंबर लिखवाया था और अभी तक नंबर नहीं आया, और शाम के 3:30-4 बज गए और हम लोग 2:30 बजे आए थे, पागल कर दिया। और खाली मैं नहीं आया हूँ, मैक जी भी आई है मेरी, तो वो अंदर बैठी है, क्योंकि मैंने कहा कि देखती रहे कि हमारा नंबर कब आने वाला है। मैं गाड़ी में बैठा हूँ क्योंकि पानी की बोतल लेने आया हूँ, प्यास लगती है। फाइनली डॉक्टर को दिखा दिया है और महक की क्या झाड़ पड़ी है। महक की क्या झाड़ पड़ी है भाई, मजा आया। पति को इतनी खुशी होती है ना कसम से, मतलब आप तो झाड़ लगा नहीं सकते, क्या दूसरा बंदा लगा दे, और डॉक्टर की तो जी जी करके सुननी पड़ती है, बहुत तगड़ी झाड़ मारी है भाई। गलती आपकी भी तो है। तो मैं की स्कूटी अभी स्कूल के बाहर ही खड़ी हुई थी यहाँ पे, तो हम डॉक्टर से होके आए हैं। तो अब ये ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं, होप करते हैं कि आपको यार पसंद आया होगा ब्लॉग, और आपको पता चल गया होगा क्या क्यों मैंने ये टाटा एल्टोस लिया है। और दूसरी चीज़ यार बहुत इंपॉर्टेंट, लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो, आपके लिए सब्सक्राइब बटन फ्री है लेकिन हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है, हम ग्रो कर रहे हैं और करना भी है, तो भाई आप लोगों का सपोर्ट अनिवार्य है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।